चूड़ी नीली पीली हरी लाल सब। अभी हम तीखा ना खाएं तो खाएं क्या? अरे बाप रे तो मैं बाहर ही बैठ के कपड़ा धो रही थी क्योंकि हमारे घर हर दूसरे दिन पानी आता है, तो इसकी वजह से मम्मी बोली कि चलो बाहर ही धो लो। तो मैं काफ़ी लेट भी सो के उठी थी तो इसकी वजह से बाहर ही धो रही थी, मगर ऐसे धो रही थी तो सब मुझे बाहर धोती हूँ कपड़ा, तो ऐसे देखते हैं जैसे मैं कपड़ा नहीं धो रही हूँ, बहुत बड़ा कोई काम कर रही हूँ। तो मम्मी से मैं बात करती हूँ कि देखो कैसे वो देखते हुए जा रहा है। मम्मी बोली कोई बात नहीं, जाने दो, तुम अपना काम करो, बाहर धोने में अच्छा तो लगता नहीं मगर थोड़ा पानी का बचत हो जाता है। बाहर धोनो तो कोई जाता था ऐसे देखता है कपड़ा कि लड़की तो मेरा पूरा कपड़ा धुल गया है, मैं बाहर ही धो धा के रख दी, मम्मी फैला देती हैं बाद में। फिर आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है, आप लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक क्योंकि मेरा इसमें पूरा फैमिली आ जाया है। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग मजा करिए। पोछा भी मार के तब नहाती हूँ। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं नहा ली, आज मैं बाहर ही कपड़ा धोई, सब बाहर ही कपड़ा सब धोई क्योंकि पानी का थोड़ा प्रॉब्लम था, आता है जिस दिन तो मैं बाहर ही कपड़ा धो लेती हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा काम की हूँ, बाथरूम वाथरूम सब साफ की। और मैंने पहना है चूड़ी नीली पीली हरी लाल सब चूड़ी मैंने पहना है। और मुझे साड़ी बहुत प्यारी, पता क्यों लगती, क्योंकि ये ना साड़ी ना मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराती है कि मैं क्या बोलूं, इसकी वजह से मुझे साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए गाइस, तो मैं रोज तो कुछ बकवास ही दिखाती हूँ, आज मैं मैगी बनाना दिखाती हूँ कि मैं मैगी कैसे बनाती हूँ। इतना सा एक चम्मच कि इतना लगभग मैं तेल डाली, क्योंकि मैं ज्यादा तेल खा के बीमार पड़ जाऊंगी, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो आप लोग मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूँ। तो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं जीरा, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नहीं, मिर्ची ज्यादा ही खाती हूँ, उसमें कुछ कटौती नहीं रहता मिर्ची के लिए। और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा ही प्याज नहीं है, एक प्याज है तो डालेंगे प्याज थोड़ा। आज मेरा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा, आप लोग सुनो में पानी आ जाएगा। और देखो इतना महंगा टमाटर है, इतना महंगा टमाटर, फिर भी मैं रोज टमाटर खाती हूँ, तो समझ लो मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ। हाँ मेरी अमीराई देखो तुम लोग। तो प्याज को अच्छे से भून लेते, मैं मनीषा नहीं हूँ कि प्याज को 20 मिनट तक भूजूंगी, कल उसका हम लोग देखे थे को 20 मिनट तक प्याज भूज रही थी, हम लोग पागल हो गए थे देख देख के 20 मिनट तक उसके लाइफ में प्याज ही प्याज, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। प्याज हो गया है पूरी तरह लाल, इतना ही लाल मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती क्योंकि तो जल जाएगा तो काला काला दिखता है। उसके बाद अनुसार पानी नहीं डालेंगे, पकने के हिसाब से पानी डालेंगे, ये मत सोचिएगा कि स्वाद अनुसार मैं पानी डालूंगी। तो मैगी के अंदर तो चार टाइम ही तीन टाइम तो पक्का मैगी खाती हूँ। उधर भाभी बना रही हैं, अपना बना रही हैं, रोटी नहीं पराठा बना रही हैं और सब्जी बना रही हैं, उनका सब्जी बन रहा है। देखो हम लोग कितना अमीर है, मटर वाला सब्जी खाते हैं, तुम लोग बोलोगे कि बेइज्जत करने के लिए वीडियो बनाती हूँ, इतना अमीर हम लोग हैं। कौन सा देखो मटर पनीर बन रहा है, मटर, अरे पनीर तो मैं भूल ही गई थी ओहो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मटर पनीर बन रहा है बोल रही हूँ, मटर डाल के सब्जी बना रहे हैं। ओहो अभी मैं पूरा मैं 2:30 बजे ही सोई,
मैं इसमें हल्दी वल्दी नहीं डाली लाल मिर्ची की, वो जैसे टीवी में दिखाते हैं स्पेशल मैगी, तो वो फालतू रहता है, मेरा ओरिजिनल है। तो मैं फिर टीवी वालों को गलत बोल दिया, आज तो मैं बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊंगी, सब बड़े बड़े यूट्यूबर को गाली देने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो शाम तक आएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा धनिया, धनिया भी बहुत महंगा है मगर मैं धनिया भी खाती हूँ। अरे यार 50 रुपया कट दिए धनिया, जब बेइज्जती वा। तो इसके बाद मैं निकाल के फटाक से खा लूँ। आ जाओ सब लोग मेरे अच्छे वाले दोस्त लोग, अच्छे वाले में आज तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कर ले थे खुशबू हितरो हितरो बोल के आग लगा रही थी। अच्छा हाँ भैया थे ना ब्लॉग में, तो क्या बोल रही है, हितरो है दिखाई नहीं हितरो का फेस हम यार मार जेठा, चुप रहो दीदी, वो हितरो थे फेस नहीं दिखाई, दिखाना चाहिए था ना। अरे यार तो गजब हो, सब लोग बहुत बड़े फैन हैं हितरो के, तो मेरा मैगी बन के तैयार हो गया। अब मैं उसकी तरह सजा बजा के नहीं दिखाती, शांति की तरह, शांति बहुत अच्छे से सजाती मुझे खाना ऐसे, तो मैं इसमें क्या सजावट करूं। शांति बहुत अच्छे से तैयार सजा के अपना दिखाती है रेसिपी, मैं भी कोशिश करूंगी। मैं देखो खुद सज जाती हूँ, फिर और कुछ सजे जाए जिन सजे। चलो बाय बाय। अच्छा बना, मस्त बना, मस्त एकदम बढ़िया, मैंने टेस्ट करके बता दिया आप लोगों को। थोड़ा तीखा है लेकिन मैं चलता है, अभी हम तीखा ना खाएं तो खाएं क्या, अच्छी घर है, अभी हम तीखा ना खाएं तो खाएं क्या, अच्छी घर है। युवान यहाँ गुस्सा होके इतना जोर जोर से जा रहा है, गुस्सा है, क्यों गुस्सा है युवान? अरे दो चादर है जो हो रही है, अरे बाप रे, भगी भगी है ना ऐसा, मैं बोल रही हूँ मेरे मोबाइल में बजिया कहाँ से, बेचती हूँ तुम्हारी माई को, इधर आ, चादर ले गई हो, गई हो, गई। अरे बाप रे, ये तो गजब है, मोबाइल लेके भाग के आती है मेरा तुरंत। थैंक यू नायसा, तुम मेरा मोबाइल नहीं पटकती, वाह नायसा इतनी की तो अच्छी है ये। अनायसा को लिपस्टिक लगाना है, भाग के लेके आती मेरे रूम से। हाँ अनायसा तुमको क्या लगाना है, तुमको लिपस्टिक लगाना है, लिपस्टिक तुमको क्या चिघर रहे हो बताओ, इतना चिल्लाया लो। हाय अनायसा, नहीं खोल के दर, हाँ दे दे उनके खोल के, जय 50 रुपया वाला मान ली बिट्टी, हट चिल्ला रहा है, सब क्या सोचेंगे इनके घर के बच्चे कैसे हैं, दोनों चिघर रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छी, जो मेरा मेकअप का सामान छीट के जाती है पूरा बिगाड़ देती, फिर वही कर रहे हैं। अनायसा है, अच्छी था, चार बच्चे बस, अरे युआन भी है, सब चारों बच्चे मेरे घर के हैं। अभी मेरे चारों बच्चे सोए हैं, नहीं तो मैं अपने चारों बच्चों को दिखाती। अनायसा पानी गिरा रही है क्या, पानी ले रही है? अरे पानी का ढक्कन बंद करो, गिरा देगी ढक्कन, बंद कर जल्दी, बंद कर दो। दक्षु इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो अपना, हट यार। तो मेरा सब काम हो गया था, बस वही बिस्तर बनाना बाकी था, तो मैं सोचा था फटाफट मैं बिस्तर बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, युवान है वो बहुत खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, तो आ रहा था जा रहा था, तो उससे बात ही कर रहा था। बना रही हूँ युवान, क्योंकि अभी मेरा बिस्तर नहीं बना है, चादर धोई थी, चादर लगा रही हूँ। क्या क्या ये नहीं, दूसरा चादर है बेटा। तो युवान चला गया, तो फिर मैं तकिए का कवर फटाफट लगा के मैं सोची थोड़ा आराम भी कर लूँ, मगर आराम क्या, फिर मैं चली गई चाची के पास थोड़ा बात करने। तेरे
मेरा कलौजी बना दी हूँ, बैगन का बनाई हूँ कलौजी। दाल बन रहा है, दाल भी हो गया है, रोटी भी बना दी हूँ मैं।